ही सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल बैठ से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिपिस, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सक के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हूं। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांव को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंडासन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें, सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्रांति अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांग और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं, शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडुकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से
छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आएं। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाईं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें। शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। सिर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंगासन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हों। भुजंग का अर्थ है सर या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचे। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंगासन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें। अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगे फैलाएं। हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभ आसन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें। टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पाद आसन।
इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तानपाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्धहल आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं, तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्धहलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ें तथा जांघों को छाती के पास लाएं, उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें, अपनी टांगों को सीधा फैलाएं, आराम करें। उदर की चोटों हर्निया सर्टिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हो, आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। रेखा जी, शवासन के पश्चात एक बार जल्दी से मुद्रा विज्ञान का अभ्यास आप कराएं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान विजय जी हमारे बीच आ चुके हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा उनसे भी कि वो भी बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं, तो आप मुद्रा विज्ञान एक बारी सभी के सामने प्रस्तुत करें। रेखा जी,